नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी। सिलसिला बाजारों का मैं लेकर आ गया हूं आप सबके लिए एक बार फिर से कमोडिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि सुबह के कारोबारी सत्र में कमोडिटी बाजार कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है, किस कमोडिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी मंदी नजर आ रही है, उस पर रूपा मेहता की क्या राय रहेगी। लेकिन कमोडिटी बाजार की शुरुआत करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको भी ओमिक्रॉन की चिंता सता रही है और ये डर है कि विदेशों की तरह भारत में भी लॉकडाउन लग जाएगा और दुकानदारी खतरे में पड़ जाएगी, तो आपको और चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आ गई है मार्केट में माई मिगब्लिस ऐप, MYMYBIGBLISS माई मिगब्लिस। इस ऐप से आप अपनी सेल को ओमिक्रॉन में सिर्फ बचा ही नहीं सकते बल्कि बढ़ा भी सकते हैं। बस करना छोटा सा ये काम होगा, झट से फ़ोन उठाना है, माई प्ले स्टोर पर जाकर माई बिगब्लिस ऐप को डाउनलोड कर लेना है और इस पर अपना स्टोर रजिस्टर कर लेना है, अपनी दुकान रजिस्टर कर लेनी है और फिर जो भी सामान आप बेचना चाह रहे हैं उसके प्रोडक्ट्स चढ़ाने हैं और आपके पास ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे। आपको इसके लिए कोई फीस नहीं देनी, ना ही रजिस्ट्रेशन फीस है, ना ही कारोबार करने के लिए कोई फीस देनी है। ऐप बिल्कुल मुफ्त है और ज़रूरी नहीं कि आपके पास पहले से कोई कंपनी रजिस्टर हो या आपको कोई कंपनी रजिस्टर करनी पड़े। आप अगर ठेला भी लगाते हैं फलों का सब्जियों का तो भी आप इस ऐप से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। इसी के साथ शुरुआत कर लेते हैं कमोडिटी बाज़ार के अपडेट की। हम देख रहे हैं कि आज सोना $1,805 पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है और सिल्वर भी $22 के आसपास ट्रेड करती नज़र आ रही है। सोने में देख रहे हैं कि कल के मुकाबले आज कुछ हल्की बढ़त बनती नज़र आई है और हमने ये भी देखा है कि जो US ट्रेजरी यील्ड्स हैं उनमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। जो 10 साल वाली अमेरिकी बॉन्ड है उनमें हमने उछाल आता हुआ देखा था। दूसरा, अब देख रहे हैं कि जो गोल्ड में उठापटक होने देखने को मिल रही है उसका एक कारण डॉलर में गिरावट भी है। हमने डॉलर में गिरावट बनती हुई देखी थी जिसकी वजह से सोने चांदी की जो कीमतें हैं उन पर एक प्रभाव पड़ता नज़र आया था। तो आज के कारोबारी सत्र में सोने चांदी में क्या करके चलना सही रहेगा, ये जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मांगेराम सीवी पर। जी शुक्रिया। रूपा जी, देख रहे हैं कि कल के मुकाबले आज सोने चांदी में कुछ बढ़त बंदी नजर आई है। सोना एक बार फिर से $1,800 के ऊपर निकला है। कल जब आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था सोने की जो रेंज है नीचे में $1,780 से लेकर ऊपर में $1,820 तक की है। $1,800 तो हमने आज देख लिया, आपको क्या लगता है क्या सोने में यहाँ से अभी और बढ़त बन सकती है? देखिए, अभी फिलहाल वही रेंज कायम है 1820 तक। ऊपर अपसाइड एक मोमेंटम बन सकता है जिस तरीके से कल बाउंस बैक आया है और डॉलर के अंदर वीकनेस देखने को मिल रही है और उसका एक इम्पैक्ट है कि गोल्ड के अंदर वापस से बाइंग इनिशिएट होते हुए नजर आ रही है। ओवरऑल देखिए, हमने हमेशा यही बोला है कि गोल्ड जो है वो पॉजिटिव है। गोल्ड में शॉर्ट टर्म में इंट्राडे में उठापटक का माहौल रह सकता है लेकिन ट्रेंड इसका अभी भी पॉजिटिव ही है। ओमिक्रॉन का अगर इंपैक्ट बढ़ता है तो भी सोने के लिए फेवरेबल होगा और अगर इंटरेस्ट रेट हाइक्स होते हैं तब भी सोने के लिए फेवरेबल होगा। और डॉलर में जैसे ही वीकनेस आती है उसका सीधा इंपैक्ट गोल्ड के ऊपर आते हुए हम देखते हैं, जिसकी वजह से गोल्ड के अंदर इन्वेस्टर जो है वो एक सुरक्षित निवेश महसूस करते हैं और जिसके चलते इसके अंदर एक बाइंग देखने को मिलती है। तो फिलहाल सोना अभी भी पॉजिटिव है, $1,820 अभी भी रेंज बनी हुई है। अगर हम बात करें डोमेस्टिक मार्केट की तो डोमेस्टिक मार्केट में भी 47,800 से लेकर 48,500 की रेंज है। आज इंट्राडे में भी एक्सपेक्टेड है कि 48,500 तक एक बार मार्केट ऊपर जा सकता है। सेम एज इट इज चांदी भी आज पॉजिटिव होती हुई दिखाई दे रही है। चांदी भी ऊपर में डोमेस्टिक मार्केट में 62,000 का लेवल क्रॉस कर चुकी है तो यहाँ से अब 62,800 से लेकर 63,200 तक का अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे सकता है। चांदी की भी फिलहाल जो रेंज बनती दिखाई दे रही है 60,800 से लेकर 65,000 के बीच की रेंज अपसाइड में बनती हुई दिखाई दे सकती है। डाउनसाइड बहुत ज्यादा जो है वो एक्सपेक्टेड नहीं है लेकिन पॉजिटिव मोमेंटम ज्यादा एक्सपेक्टेड है तो आई थिंक अभी भी इनके अंदर बाइंग में रहा जा सकता है। जी ये सर, रूपा जी बात करें अगर हम अब क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल में हमने देखा है कि आज हल्की बढ़त है, कल भी हमने बढ़त बनती देखी थी। देख रहे हैं WTI $72 पर और ब्रेंट क्रूड ऑयल $75 पर ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है जिस हिसाब से खबर निकल के सामने आई है कि अमेरिका में जो ऑयल रिजर्व्स है, क्रूड के जो स्टॉक्स हैं उनमें कमी देखने को मिली है और दूसरा भारत में अभी लॉकडाउन वाली स्थिति नहीं है, बिजनेस अपने रनिंग ऑर्डर में ही चल रहे हैं, तो अब इसका असर कच्चे तेल के बाजार पर कितना देखने को मिलता रहेगा?
देखिए कच्चा तेल अभी पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए जैसे कि फंडामेंटल अभी आपने बताया कि यूएस में क्रूड के स्टॉक पाइल्स में गिरावट देखने को मिली है और तकरीबन 4.72 मिलियन बैरल से ये डिक्लाइन किया है इसका इन्वेंट्री। और उसी तरीके से देखा जाए तो होम सेल्स और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का जो डाटा है वो भी काफी पॉजिटिव सिग्नल्स लेकर आ रहा है और इसके चलते एक पॉजिटिव मोमेंटम क्रूड के अंदर फिलहाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और अभी यहाँ से लग रहा है कि अगर ओवरऑल देखा जाए तो क्रूड अपसाइड में $75, जैसे कि हमने कल भी यही डिस्कस किया था कि $75 तक क्रूड एक बार ऊपर में जा सकता है, तो सेम एज इट इज वही रेंज बनती हुई दिखाई दे रही है $75। और ब्रेंट की बात करें तो $78 अपसाइड में मोमेंटम हो सकता है। डाउनसाइड की बात करें तो वही 68-65 का डाउनसाइड क्रूड में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ओवरऑल फंडामेंटली पॉजिटिव है, लेकिन एक अगर ओमिक्रॉन का इम्पैक्ट बढ़ता है तभी क्रूड में गिरावट संभव है, अदरवाइज क्रूड में यहाँ से पॉजिटिविटी बनती हुई दिखाई दे रही है और अभी यहाँ से $75 जा सकता है। डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो नीचे में 5200 से लेकर ऊपर में 5800 से लेकर 6000 की रेंज बनती हुई दिखाई दे सकती है। तो आज इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे में भी 50 से 60 रुपए का अपसाइड मोमेंटम डोमेस्टिक मार्केट में भी यहां से और बन सकता है। ऑलरेडी 0.1% की तेजी के साथ क्रूड कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहां पर 5580 से लेकर 5620 फिलहाल रेंज बनती हुई दिखाई दे सकती है। ये सर भाई बात करें अगर अब बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स में देख रहे हैं कि आज हल्का सा मिला जुला वाला रुझान है। हालांकि जो बेस मेटल्स की जो इन्वेंट्रीज हैं उनमें एक हल्का सा डाउनफॉल देखने को मिला है। कॉपर में टाइट सप्लाईज हैं, जिंक में टाइट सप्लाईज हैं, निकल में देख रहे हैं बढ़त है। और दूसरा जो स्टील का जो आउटपुट है वो नवंबर में लगभग 10 साल के निचले स्तर पर दर्ज किया गया है। ऐसे में आपको क्या लगता है जैसे आने वाले समय में अब कंस्ट्रक्शन की गतिविधियाँ बढ़ सकती हैं क्योंकि ये जो वेदर है इसको अनुकूल माना जाता है कंस्ट्रक्शन के लिए, तो ऐसे में आपको क्या लगता है अगर लॉकडाउन नहीं लगता है भारत के अंदर ओमिक्रॉन की वजह से तो क्या बेस मेटल्स में आगे बढ़त देखने को मिल सकती है? देखिए अभी तो लॉकडाउन की कोई स्थितियां नहीं है तो अभी ऐसा कोई इम्पैक्ट भी आता हुआ फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। और जहां तक बात है बेस मेटल्स की तो डेफिनेटली चाइना से जो डिमांड निकलती हुई दिखाई दे रही है उसकी वजह से बेस मेटल में एक पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कॉपर को छोड़ दें तो कॉपर बहुत ज्यादा भी चाल नहीं पकड़ पा रहा है, लेकिन इंस्टेड ऑफ कॉपर आप देखिए निकल अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगेन अब निकल में हमने 1570 के आसपास आज इसको ट्रेड करते हुए देखा है। कल के बाद एक अच्छी रैली निकल में आई है और वहीं जनवरी वायदा भी निकल का 1552 के ऊपर है, तो मुझे लगता है कि निकल जो जनवरी वायदा है वो 1600 तक जा सकता है। वही दिसंबर वायदा की बात करें तो उसमें भी अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे सकता है। आज इंट्राडे में 1580 का लेवल 1580 से लेकर आप मान के चलिए 1588-92 तक ऊपर जा सकता है। वहीं अगर बात करें जिंक की, जिंक में गिरावट आई है, जिंक हल्का फुल्का करेक्शन दिखा रहा है लेकिन 288 के आसपास सपोर्ट आ सकता है और ऊपर में 292-295 का स्तर देखने को मिल सकता है। वहीं कॉपर अगेन 720 से लेकर 740 के बीच में ही फंसा हुआ है, यहां से अपसाइड मोमेंटम अगर बनता है तो 760 तक मैक्सिमम एक बार कॉपर ऊपर जा सकता है। तो ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो ओवरऑल ट्रेंड काफी पॉजिटिव दिखाई देता है बेस मेटल्स का। मुझे लगता है कि बेस मेटल में ही आने वाले दिनों में एक अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यूशन में रह सकता है और निकल एक अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे सकता है। और अगर देखा जाए तो सभी बेस मेटल्स के अंदर में से एक निकल ऐसी कमोडिटी है जो अभी तक अच्छा परफॉर्म करती दिखाई दी है। कॉपर ने पहले अच्छा परफॉर्मेंस दिया लेकिन लेड और जिंक का अभी बाकी है, लेड जिंक और एल्यूमिनियम इनमें अभी तेजी आना बाकी है। तो ये तीन कमोडिटीज भी हो सकती हैं जो फर्दर अगर आप इसमें आउटलुक 6 महीने से 1 साल का लेकर चलते हैं तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा रिटर्न देती हुई दिखाई सकती है। जी ये रूपा जी बात करें अगर नेचुरल गैस की, नेचुरल गैस में देख रहे हैं कि 0.3% की गिरावट आज इंटरनेशनल मार्केट में बनती नजर आई है। रूपा जी देख रहे हैं कि विदेशों में भी अब विंटर वेदर आ गया है लेकिन देख रहे हैं कि आज तब भी जो कीमतें हैं उनमें प्रॉफिट बुकिंग बनती नजर आई है, आपको क्या लगता है ये ऊपरी तरह से मुनाफा वसूली सिर्फ शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए है या फिर आगे भी यही रुझान रहेगा? देखिए नेचुरल गैस में के लिए जो रेंज है वो 280-260 डाउनसाइड में और ऊपर में 320 अपसाइड मोमेंटम मैक्सिमम एक्सपेक्टेड है, लेकिन इससे ज्यादा फिलहाल तेजी बनती हुई नेचुरल गैस में दिखाई नहीं दे रही है। मुझे लगता है कि आगे चलकर नेचुरल गैस पे प्रेशर बढ़ सकता है और कीमतें जो है वो नीचे में 280-260 के आसपास सस्टेन करती हुई दिखाई दे सकती है। और अभी जो करेक्शन आ रही है इस करेक्शन के मद्देनजर मुझे लगता है कि इसमें बिकवाली में जाना चाहिए 320 का स्टॉप लॉस डाल के और इसमें सेल कर सकते हैं। इनफैक्ट दिसंबर वायदा को छोड़ दे तो जनवरी वायदा में पोजीशन कैरी करके चला जा सकता है सेलिंग की। जी रूपा जी आखिरी सवाल रहेगा नॉन एग्री में मेरा आपसे, टॉपिक्स क्या रहेंगे आपकी तरफ से आज नॉन एग्री के लिए जिनमें अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है?
अखिलेश देखिए, मैंने एज यूजुअल यही बोला कि हमेशा बेस मेटल्स में आप बाइंग करें, ये एक अच्छा मुनाफा दे सकते हैं निकल, स्पेशली निकल के अंदर। और वहीं आज सोना और चांदी भी पॉजिटिव मोमेंटम में है, तो सोना चांदी के साथ कच्चे तेल में भी आज खरीदारी की जा सकती है। यानी कि बेस में नॉन एग्री कमोडिटीज की बात करें तो नेचुरल गैस को छोड़ दे तो ऑलमोस्ट कमोडिटीज के अंदर बाय करके प्रॉफिट कमाया जा सकता है। जी, तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कमोडिटीज से।